मैनेजर हैं आदरणीय भरत कुमार साहब, प्लीज। नमस्कार साथियों, ध्यान रखिए। पहले तो गैस की बचत के लिए घर ढक्कन ऊपर यूज करके हो, खाने कभी कोई दाल वगैरह बनानी हो तो ढक्कन रख के आराम से यूज करके, हमेशा अपने गैस के आसपास साफ सफाई वगैरह सब कुछ। मेरे जैसी कई बहनें नहीं पट पा रही है, चूल्हे पे खाना बनाते समय पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो LPG गैस यूज करे, अपना समय बचाओ और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ। जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ। हमारे बीच में श्रीमती सीता बेनीवाल जी है, बच्चू जी घावरी को बुलाना चाहते हो। बच्चू जी एक बार फिर से मंच पर आए। अरे आ जाओ आ जाओ। मुझे एक साल दो साल हो गए। ठीक है, पहले किस पे खाना बनाते थे आप? स्टोव पे बनाते थे। स्टोव पे बनाना बहुत मुश्किल होता होगा। वो खिड़की दरवाजे खुले रखना चाहिए, गैस ऑन करने से पहले। अपने जो साथी बहने बैठी है इन्हें क्या कहना चाहेंगे कि क्या फायदे होते हैं, थोड़ा सा खुल के बता दीजिए। लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप जानते हैं कि जब आप लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं उसका धुआं आता है, वो हमारे श्वास पर हमारे नेत्रों के लिए बहुत खराब है। दूसरा, विशेषज्ञों ने जांच की है कि अगर खुली आग का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक घंटे में 400 सिगरेट के बराबर है। 400 सिगरेट जलाने के बराबर, आप सोचिए कि क्या वो नुकसान देगा। पर कैलाश कंवर मैम सामने की। कमला भाई, ये कारी भाई हैं। मैं आप चंदेश रास्ते हैं पास के गांव। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा बलिया ज़िले में यूपी में आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। और उस समय इस योजना का लक्ष्य था कि 5 करोड़ BPL महिलाओं को LPG कनेक्शन दिया जाए, पर इसकी 2019 तक पर इसकी सफलता को देखते हुए इसका आंकड़े बढ़ाए गए हैं और अब इसका बजट भी 8000 करोड़ से 12400 करोड़ किया गया है। और समय सीमा में 2020 तक बोला गया है कि अब इसका नया लक्ष्य है 8 करोड़ BPL महिलाओं को LPG कनेक्शन दें।